तो दोस्तों, क्या रशीद खान नहीं खेलेंगे आईपीएल 2024 और क्या मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे आईपीएल 2024? कौन होगा सनराइजर्स हैदराबाद का न्यू कैप्टन और कब होगा? इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोज इस चैनल पर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। न्यूज नंबर वन की हम बात कर लेते हैं, जो कि है रशीद खान को लेकर। रशीद खान जो है ना, वो आईपीएल 2024 में खेलने वाले। ऐसी फेक न्यूज निकल के आ रही है कि वो आईपीएल 2024 में नहीं खेलने वाले हैं। पीएसएल 2024 से जो है वो बाहर हो चुके हैं, लेकिन आईपीएल 2024 में वो खेलने वाले हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इतनी बड़ी उनको जो है इंजरी नहीं है। हमने देखा अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया की सीरीज थी, तब भी वो खेले नहीं, शायद उनको इंजरी है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कहा है कि मैं पीएसएल 2024 नहीं खेलने वाला हूं, लेकिन मैं आईपीएल 2024 जरूर खेलने वाला हूं। तो रशीद खान या फिर गुजरात टाइटंस के अगर आप फैन हैं तो आप इन्हें जो है आईपीएल में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूज नंबर टू की, जो कि है टॉम करन को लेकर। अब टॉम करन भी जो है 2024 के पीएसएल से जो है बाहर हो चुके हैं। उन्होंने कह दिया है मैं पीएसएल 2024 नहीं खेलने वाला हूं, जो कि सबसे बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2024 के लिए भी थोड़ा ना थोड़ा वो डाउटफुल नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो बिग बैश से जो है बाहर हो चुके थे, ये तो सही था, लेकिन पीएसएल से भी अब बाहर हो चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी इंजरी थोड़ी सी बड़ी है। तो यहाँ पर जो है 50-50 चांसेस है कि वो आईपीएल खेलेंगे नहीं खेलेंगे। आरसीबी के अगर आप फैन हैं तो थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम वाली बात आपके लिए हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ना, यहाँ पर जो है पहले ही गेंदबाजी में जो है थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है आरसीबी इस साल, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है अगर टॉम करन चले जाते हैं तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाला है। आप बताइए, आरसीबी के फैन है तो किस तरीके से जो है टॉम करन खेलने चाहिए या फिर नहीं खेलने चाहिए आईपीएल 2024 में, और क्या वो वापसी करेंगे, ये भी कमेंट में जरूर बताना। न्यूज नंबर थ्री की हम बात कर लेते हैं, जो कि है ग्लेन मैक्सवेल को लेकर। तो बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज निकल के आ रही है कि आईपीएल 2024 में वो नहीं खेलने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फाइनल न्यूज है वो है आईपीएल 2024 में ग्लेन मैक्सवेल खेलने वाले हैं। यहाँ पर जो है इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सबको पता है ग्लेन मैक्सवेल ने क्या किया है। और दोस्तों, अभी के लिए तो मेरे हिसाब से वो हॉस्पिटल में भी है, लेकिन अब वो ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल जो है आईपीएल 2024 में हमें दिखने वाले हैं, तो आरसीबी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो नहीं खेलेंगे आईपीएल 2024 में आरसीबी के लिए, लेकिन अब वो खेलने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूज नंबर चार की, जो कि है सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर। सनराइजर्स हैदराबाद के पास जो है अब एक चॉइस है कैप्टन की, जो कि है एडन मार्ट्रम, और एक चॉइस है पैट कमिंस की, जो कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। लेकिन मेरे हिसाब से वो जो है वो वनडे क्रिकेट के विनिंग कैप्टन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही यही कह रही है। मिचेल मार्श को जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो T20 सीरीज होने वाली है उसके लिए उन्होंने कैप्टन बनाया है, और पैट कमिंस जो है स्क्वेड में है फिर भी उनको कैप्टन नहीं बनाया गया है। तो T20 में जो है ऑस्ट्रेलिया उन पर उतना भरोसा नहीं रख रही। अब चॉइस जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद के हाथ में है, किसे उनको जो है कैप्टन करना है, ये सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम होने वाली इस साल उनके लिए। अब एडन मार्करम तो पहले से ही कैप्टन है, और T20 में जो है उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अब आ चुका है। अब उन्हें ये कैप्टन रखेंगे या फिर पैट कमिंस को करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उनको जो है फर्स्ट वीक में अपना कैप्टन, मतलब वो अपना जो कैप्टन है वो फर्स्ट वीक में तय करने वाले हैं कि हमारा कैप्टन जो है ये होगा या तो फिर पैट कमिंस या फिर एडन मार्करम। आपको मैं ये भी बता दूं कि एडन मार्करम जो है अब वो तो पिछले साल थे ही, लेकिन पैट कमिंस को सिर्फ बतौर बॉलर जो है वो खिलाने के लिए अपनी टीम में सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ में नहीं लिया है, क्योंकि वैसे तो को तो फिर बहुत सारे बॉलर्स मिल जाते, मिचेल स्टार्क भी वो ले लेते। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम वाली बात होगी वो ये होगी कि कितना भरोसा सनराइजर्स हैदराबाद जो है पैट कमिंस पे रखेगी, और दूसरी बात जो होगी वो ये होगी कि 20 करोड़ अगर दिए हैं तो बतौर बॉलर उनको खिलाएगी या फिर उनको बतौर कैप्टन अपनी टीम में खिलाएगी। देखते आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन अभी के लिए तो यही न्यूज़ है कि पहले हफ्ते में जो है वो फेब्रुआरी के पहले हफ्ते में जो है अपना कैप्टन जो है वो बता देने वाले हैं कौन होने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूज़ नंबर 5 की और लास्ट न्यूज़ की, जो कि है आईपीएल 2024 के शेड्यूल को लेकर, या फिर आप कह सकते हैं टाइम टेबल को लेकर। दोस्तों, आईपीएल 2024 में ना टाइम टेबल जो है वो मेरे हिसाब से दो हाफ में जो डिवाइड हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आईपीएल 2024 में ही इलेक्शन आने वाला है, और इलेक्शन की वजह से वो सिक्योरिटी जो है इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती है आईपीएल को भी और इलेक्शन को भी, और उसी की वजह से जो है फिर आईपीएल में जो है हमें इस साल जो है थोड़ा सा गैप देखने को मिल सकता है। अब ऐसा कह सकती है कि आधे मैचेज जो है पहले हो जाएंगे, यानी कि हाफ टाइम टेबल जो है वो पहले आ जाएंगे
जाएगा और उसके बाद 10 दिन या फिर 5 दिन का गैप होगा और उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हमें देखने को मिलेगा सेकेंड टाइम टेबल आईपीएल 2024 का। और फिर इस तरीके से जो है जितने भी मैचेस होंगे उतने किए जाएंगे और फाइनल सेमीफाइनल्स तो फिर होने ही वाला है और इसी के साथ जो है आईपीएल एंड हो जाएगा। 26 मई जो है वो लास्ट डेट है। अब इस डेट तक जो है मतलब 22 मार्च ये बताई जा रही है तारीख कि इस तारीख से जो आईपीएल 2024 शुरू होगा और 26 मई वो तारीख है जिस दिन आईपीएल 2024 जो है एंड होगा यानी कि फाइनल होगा। तो अब इसके बीच में जो है वो दो टाइम टेबल आ सकते हैं, न्यूज़ ऐसी निकल के आ रही है या फिर एक भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता डायरेक्टली। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है मैंने आपको 5 बड़ी खबरें बता दी आईपीएल 2024 को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।